हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले आपके सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है कि शहद का प्रमुख घटक है, शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? फ्रक्टोज, जिसको बोलते हैं फल शर्करा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि एस्प्रिन कहाँ से मिलती है? तो गाइज, एस्प्रिन ये कहाँ से मिलती है? ये मिलती है एक पेड़ से। अगला क्वेश्चन, एस्प्रिन है, एस्प्रिन है एक एंटी पायरेटिक। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुक्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? तो गाइस, ये बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखिए, दूध उदाहरण है एक, दूध उदाहरण है इम्लेंसन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कोलाइट नहीं है? कोलाइट की बात की जा रही है यहाँ पे, कोलाइट नहीं है आइसक्रीम, जो कि एक कोलाइट नहीं है। अगला क्वेश्चन, खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है, किस कारण से? खुले में कुछ देर रखा हुआ दूध खट्टा हो जाता है, किस कारण से? इलेक्ट्रिक अम्ल के कारण। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंग दूध से दही बनने के दौरान बनता है? कौन सा अंग दूध से दही बनने के दौरान बनता है? तो गाइस, ये बनता है लैक्टिक अंग। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन काल में दही जमाने की प्रक्रिया में निम्न जीव की आवश्यकता होती थी, किस जीव की आवश्यकता होती थी दही जमाने की प्रक्रिया के लिए? जीवाणु, ऑप्शन ए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? कौन सा पदार्थ है जो कि साबुन बनाने में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए, वनस्पति तेल। अपमार्जक क्या है? तो अपमार्जक ये क्या है? अपमार्जक है दोस्तों शोधन अभिकर्ता, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? गेहूं की खेती के लिए किस उर्वरक का उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वह है, तत्व में जो उर्वरक नहीं पाया जाता है वह है, ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नांकित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? कौन सा उर्वरक है जो कि मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? ऑप्शन बी, अमोनियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 47%। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? ये किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? तो यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? एमाइड के रूप में। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, डीएपी में कितने प्रतिशत फॉस्फोरस P2O5 तथा नाइट्रोजन N पाई जाती है? ऑप्शन बी, 18% एन तथा 46% P2O5। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? कौन सा मिश्रित उर्वरक है? मिश्रित उर्वरक है अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? निम्न में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? सोडियम सल्फेट, जो कि एक रासायनिक उर्वरक नहीं है।
अगला है क्वेश्चन, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है, तो मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है? L3, ये आपको ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अग्निशमक में कौन सी गैस काम आती है, तो अग्निशमक में कौन सी गैस काम आती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर प्रतिकृषि के रूप में प्रयोग किया जाता है, कौन सा मच्छर प्रतिकृषि के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पायरेथ्रम। अगला क्वेश्चन, मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पाइथ्रिन प्राप्त होता है, तो मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पाइथ्रिन प्राप्त होता है एक बीजीय पौधे से। अगला है क्वेश्चन, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? ये बनता है पोटेशियम साइनाइड से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है, किसे चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी जिंक फॉस्फाइड। अगला है क्वेश्चन, रोडेंटिसाइड वह रसायन है जिनका प्रयोग किया जाता है नियंत्रण करने के लिए, किसके नियंत्रण करने के लिए? चूहों का। अगला क्वेश्चन देखिए, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है किस रूप में, इसका प्रयोग किया जाता है कीटनाशक में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं, निम्नलिखित में से मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? पारा जस्ता को अमलगम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है, कौन सा यौगिक है जो कि एक शांति कारक औषधि के रूप में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए पोटेशियम ब्रोमाइड। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन डेटिंग का प्रयोग निम्नलिखित उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? फॉसिल्स की। अगला है क्वेश्चन, रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है, रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है चट्टानों की उम्र को। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है, पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन डी यूरेनियम विधि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक परावैगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है, निम्नलिखित किस प्रकार के कांचों में से कौन सा एक परावैगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? क्रूस्ट कांच। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यशत पुष्प कहलाता है, यशत पुष्प कहलाता है? जिंक ऑक्साइड यशत पुष्प कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेचर गैस भी कहते हैं, किसे एक को स्ट्रेचर गैस भी कहते हैं? तो जीनान को स्ट्रेचर गैस भी कहते हैं। मूत्रालयों के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है, तो मूत्रालयों के पास नाक में चुभने वाली गंध का कारण है ऑप्शन सी अमोनिया। अगला है क्वेश्चन, अब तक निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है, अब तक निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है? ऑप्शन डी सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है, तो कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? सिल्वर आयोडाइड। अगला क्वेश्चन, मैथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित हैं वह है, मैथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित हैं? मंगल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भविष्य की धातु किसे कहा जाता है, तो भविष्य की धातु कहा जाता है टाइटेनियम। अगला क्वेश्चन, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है, तो रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड।
अगला क्वेश्चन, माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुओं एलिमेंट्स में से किसका प्रयोग किया जाता है? माचिस बनाने में निम्न वस्तुओं में से एलिमेंट्स में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया? फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कार्बन नैनो ट्यूब CNTS किसने बनाई? तो कार्बन नैनो ट्यूब CNTS ये किसने बनाई है? ये बनाई है आई चीमान ने। अगला क्वेश्चन, भारत में जल विलवणीकरण संयंत्र के कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है गाइस? तो ये स्थित है लक्षद्वीप में। अगला क्वेश्चन, कौन सा रसायन क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है? कौन सा रसायन क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है? कैल्शियम सल्फेट। अगला है क्वेश्चन, द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी क्या कहलाती है? प्रमुख प्रौद्योगिकी क्या कहलाती है? कार्योजेनिक्स कहलाती है। अगला क्वेश्चन, धूम पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। धूम पर्दे प्राय किसके वायु से परिक्षिप्त सूक्ष्म कणों के बने होते हैं? ये बने होते हैं टाइटेनियम ऑक्साइड के। ऑप्शन सी जो है आपका ये राइट हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आने वाली आपकी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने वाले सारी नए नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड, ये सही हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।